नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और मेरे साथ आप सभी साथी जुड़े हुए हैं। आज हमारा टॉपिक होगा वर्क फ्रॉम होम, किस तरीके से हम घर से काम कर सकते हैं, कितना आसान है, कितना कठिन है, क्या इसका नुकसान हो सकता है, क्या इसका फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे साथ आरती सैनी है फरीदाबाद से। आरती, सबसे पहला सवाल आपसे है, वर्क फ्रॉम होम कितना सरल है? मेरे अकॉर्डिंग वर्क फ्रॉम होम एक्चुअली काफी आरती अपना परिचय दे दीजिए। हाँ जी, मैं आरती सैनी, मैं एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर काम करती हूँ सीएल एजुकेट लिमिटेड में, और मैं दिल्ली में वर्किंग हूँ एंड आई एम वर्किंग इन अ आईटी डिपार्टमेंट। सो मेरे लिए, मतलब हमारी जो फील्ड है आईटी में, उसमें तो वर्क फ्रॉम होम वैसे भी काफी सक्सेसफुल है, बिकॉज हमें सारी चीजें ऑनलाइन करनी होती हैं। बट अभी जिस तरीके से सडनली ये वर्क फ्रॉम होम हुआ है, वो बहुत ही, मतलब बहुत ही क्विक वे में हुआ है, किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था चीजों को मैनेज करना। बट धीरे धीरे चीजें हैं जो मैनेज हो रही हैं। तो इनिशियली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वी आर फेसिंग सम इश्यूज, बट ग्रेजुअली वी हैव इनकॉर्पोरेट ऑल दीज थिंग्स इन आवर लाइफ। तो ये सारी चीजें हैं जो मैनेज हो गई। तो मेरे अकॉर्डिंग वर्क फ्रॉम होम It's not very hard thing, but it all depends on our habits. जैसे कि अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा familiar नहीं है work from home के, तो हमें starting में face करना पड़ता है challenge. But according to me, it's really worthful. And इसमें हम अपनी personal life बहुत अच्छे से manage कर सकते हैं और अपनी professional life manage कर सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं जो इस time पर हम develop करके अपनी company के लिए beneficial कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी अपने वर्क फ्रॉम होम के रूटीन में लेकर आनी चाहिए, जिससे कि हम काफी अच्छा कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगी। अभी आप योगेंद्र जी, योगेंद्र जी, आप बताएं क्या नुकसान हो सकता है वर्क फ्रॉम होम का, परिचय के साथ। विनोद जी नमस्कार। विनोद जी नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद जी, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे मौका दिया और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, क्योंकि और मैं पहले अपना परिचय, शायद आप एचआर मैनेजर में जॉब कर रहा था लास्ट 15। हेलो जी, आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज है? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप? मैं अपना परिचय, हाँ सुन पा रहा हूँ विनोद जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ विनोद जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना परिचय में दे देता हूँ। मैं एज ए एचआर मैनेजर मैं लास्ट 15 इयर्स से काम कर रहा था। रिसेंटली ही मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जैसा कि अगर हम लेके, तो मेरे साथ में एक चीज क्या है कि एज ए एम्प्लॉई और एज ए एम्प्लॉयर बोथ आर द रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि आज की डेट में जो ये जो पेंडेमिक, जो एक एपिडेमिक जो सोशल में जो आया है ये कोरोना वायरस की वजह से, तो उससे क्या हुआ है कि हमें वर्क फ्रॉम होम की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है, क्योंकि इसमें मेन जो ध्यान दिया जाता है कि भाई हमें सोशल डिस्टेंसिंग ही मेंटेन करनी है। तो वर्क फ्रॉम होम से हम अपना वायरस को जो हम रोक सकते हैं, बीमारी को रोक सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू, सबसे पहले तो हमारा वो है। प्लस एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम टू कंप्लीट द टास्क, तो एक जो हमें टारगेट जो मिलता है ऑफिस के अपने बॉस से कि भाई हमको ये काम करना है, तो वो एक हमें बहुत अच्छा एक तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम टाइम निकाल करके उस टास्क को टारगेटेड बेस पे हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और एक सरल, पहले तो ये इंडिया में अभी इतना यूज टू नहीं है, बट मैनी कंपनीज इन इंडिया लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट और सम आईटी कंपनीज, तो इस तरीके की कंपनियों ने जब इंडिया में जब एमएनसीज आई तो उन्होंने क्या किया कि ये कल्चर इंडिया वालों को भी दिया और इंडिया वालों ने इसको खुद भी अपनाया और काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है इससे। तो सबसे बड़ी बात तो है कि भाई वो अपना टाइम सेविंग होता है। आज आपको पता है दिल्ली एनसीआर में जो ट्रैफिक जैम की जो बहुत भयंकर समस्या है, उससे उसको देखते हुए हम लोग अगर वर्क फ्रॉम होम पे अगर जोर देंगे, तो हम उस जो घंटों टाइम जो 1 से 2 घंटे जो हम ट्रैफिक में जो हम निकाल देते हैं, तो वो एक टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, उसके उसको लेकर के हम प्रोडक्टिविटी हम अपना कर सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम भी एक बहुत अच्छा है,
और इसके एडवांटेजेस काफी है। इससे हम अपना फैमिली फैमिली लाइफ बैलेंस कर सकते हैं और अपना कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, तो इस तरीके से है। जी, वर्क फ्रॉम होम में क्या कमियां हैं, क्या सुधार किए जा सकते हैं, इस पर अमनी आप कुछ कहेंगे? अपना ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑन करिए अमनी। हेलो सर, आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं अभी मंगल हूँ फ्रॉम फ्लेवर्स बाय किरण। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ अपना, फिर मैं अपनी ओपिनियंस पुट फॉरवर्ड करती हूँ। फ्लेवर्स बाय किरण एक कुकिंग स्टार्टअप है। मैं अपनी मम्मा के साथ इस पर काम कर रही हूँ। पिछले 10 साल से वो कुकिंग क्लासेस लेते हैं ऑफलाइन मोड में, बट इस साल से हमने ऑनलाइन स्पेस क्रिएट करना स्टार्ट किया है फ्लेवर्स बाय किरण के लिए। लॉकडाउन ने वर्क फ्रॉम होम का एक अलग दृष्टिकोण दिया है हम सभी को, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वर्क फ्रॉम होम में मुझे लगती है वो आती ये है कि थोड़ा सा, जैसा लोगों ने कहा कि बहुत अच्छे से हम मैनेज कर पाते हैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, नो डाउट, बट कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कहीं पे सैक्रिफाइस करके पर्सनल लाइफ को बीच में लाना पड़ता है जब हम वर्क कर रहे होते हैं तब। तो उसके फायदे नुकसान दोनों हैं वर्क फ्रॉम होम के, और सुधारा जाने का ये एक सबसे बढ़िया तरीका है कि हम जो अपना शेड्यूल बनाए वर्क फ्रॉम होम में उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और ये तभी हो सकता है जब पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करे। बी एट आपकी फैमिली में जो भी है, अगर सभी लोग वर्क फ्रॉम होम को एक प्रॉपर शेड्यूल से फॉलो करने के लिए अलाउ करते हैं तो ये बहुत अच्छा निकल के आ सकता है कि हम पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। थैंक यू। गरिमा या अनीता सानी से पूछ लेते हैं। गरिमा, अनीता सानी देहरादून से जुड़ी है हमारे साथ। अनीता सानी काफी देर बाद आ पाई है। जी हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वर्क फॉर होम तो बहुत ही अच्छा हमारा मतलब जा रहा है इस समय, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बस ये है कि वो सही कह रहे हैं, अभी मैनेज करना पड़ता है फैमिली के साथ कि किस तरीके प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी है। तो हम अपने काम को एक तरफ रख के हम अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं और फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। तो हम दोनों चीज के मैनेजमेंट हमारे हाथ में है कि हमें कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे काम को करना है। तो हम वर्क फ्रॉम होम तो बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि हम इसके घर से ही काम कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ भी जुड़े हैं, फैमिली के साथ भी जुड़े हैं, सबको हम टाइमली अपना टाइम भी दे रहे हैं और अपना काम भी हमारा बहुत अच्छे स्केल पे जा रहा है इस समय, बहुत ही अच्छे स्केल पे। हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी हम इतना अच्छा वर्क करेंगे, बट इस लॉकडाउन में मेरा काम तो मैं हमेशा घर से ही करती हूँ, बट ऑनलाइन काम मेरा बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को गरिमा के बारे में परिचय करा दूं। गरिमा सौपर्स दरबार के नाम से फेसबुक का पेज चलाते हैं जिसपे लाखों व्यूवर्सित है, लाखों लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनके बहुत सारे लोग शायद आपके थ्रू काम भी करते हैं ऑनलाइन। गरिमा, तो गरिमा आप ही बताइए कि वर्क फ्रॉम होम से क्या फायदा हो सकता है? वर्क फ्रॉम होम से फायदा ही फायदा है। अभी आपने खुद ही कह दिया कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम बिफोर द पेंडेमिक हैपेंड, हम लोग तो तभी से 2016 से काम कर रहे थे, तो अभी थोड़े से जो चैलेंजेस आ गए हैं वो सिर्फ इतने हैं कि घर का काम भी और मैनेज करना पड़ता है, मेड्स वगैरह नहीं आती तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ये एक नया कल्चर है, लेकिन जैसे कि वंश जी ने भी हम लोगों को बताया कि जो है ट्रैफिक का हमें जाना नहीं पड़ता है, ट्रैफिक जैम से, इन सब चीजों से कम्यूटिंग का हमारा बहुत खर्चा बच गया है, तो वो फायदे भी है। एट द सेम टाइम जब आप घर से काम करते हैं तो बीच बीच में आपको घर के कई कमिटमेंट्स, कई घर के जो आपके काम है वो आपको करने पड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा एक डिसिप्लिन जो होता है, जो एक ऑफिस में होता है, वो नहीं हम लोग कर पाते हैं मैनेज। लेकिन ये सब चीजें हम सभी के लिए नई है और मैं सोचती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में हम सभी को इसकी आदत हो जाएगी और हम इसमें भी अपना जो है मास्टरी हासिल कर लेंगे बहुत जल्दी। ये कल्चर अब काफी यहाँ पे इट इज हेयर टू स्टे, काफी समय के लिए चलता रहेगा। अब जैसे आज मेरे शॉपर्स दरबार से अनीता जी जुड़ी हुई है, साथ में अग्नि आई है यहाँ पे पहली बार, और प्रिया जी को भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी यहाँ पे विनोद जी आपसे, कि प्रिया जो है वो हमारे साथ
कई समय काफी समय से जो है वो चला रही है अपना बिजनेस पिकल्स का, अचार का, और बहुत सारी चीजें ये बनाती है घर से जो पहले से काम कर रही थी। तो आप इनसे अब बात करिए कि इनको कितना अब मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है घर से काम करना। ठीक है, आपका स्वागत है। वेलकम पिंकी, वेलकम। हाय, नमस्ते मैडम। आप अपना फोन ठीक करिए मैडम, आपका सिर्फ गर्दन गर्दन दिखाई दे रही है, आप पीछे बैठिए या पास करिए। जी बिल्कुल ठीक है जी। नमस्ते विनोद जी। जैसे कि गरिमा जी ने मुझे कहा कि मैं इनके साथ पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और ऑनलाइन मुझे बिजनेस करना मुझे तो सूट किया है काफी। तो जैसे हम जानते हैं कि नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, ये सब एरिया जो है लाइक यहाँ पे सोसाइटीज एंड ऑल, जहाँ पे हम इतना इजी नहीं होता निकल के जब बाहर जाना मतलब परचेज करना, और खासकर कि ऐसे ऐसे मूवमेंट पे जब अभी कोरोना वायरस ऐसे पेंडेमिक फैल रहा है, तो मुझे काफी पहले से भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हाँ, फायदे नुकसान दोनों होते हैं क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जैसे मेरा, मैं हूँ पिकल्स और अदर चीजें जो स्टफ होते हैं, फूड स्टफ, जो बिना किसी प्रिजर्वेटिव के हम लोग बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है रॉ मटेरियल लेकर आना है जो भी है, अब हमें पहले से भी ज्यादा थोड़ा सतर्कता रखनी पड़ेगी क्योंकि क्या है कि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग कस्टमर्स को किस तरह से हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं पैकेजिंग एंड ऑल एवरीथिंग। तो हाँ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना घर के साथ और बाहर, बट हाँ डेफिनेटली रिस्पॉन्स पहले से ज्यादा बढ़ा है। और मैंने एक बात और नोट करी, जैसे मान लीजिए हम कुछ रॉ मटेरियल लेके आ, इसके लिए हमको मेन मार्केट, सदर मार्केट वगैरह जाना पड़ता था, तो वो क्या है, वी कैन सर्च इट ऑनलाइन एंड दे आर गिविंग अस बेस्ट प्राइस नाउ। जो वहां पे बार्गेन होता था, मतलब घर बैठे बैठे आप सब कुछ कर पा रहे हो, अब ऐसा हो गया है। सो इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। वर्क फ्रॉम होम, आई थिंक आप सभी कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन आप ये देखिए, हम और आप दिल्ली एनसीआर के कुछ ऐसे एरियाज में रहते हैं कि जहां बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है, कोरियर आराम से आ जाता है, कोई भी डिलीवरी आराम से हो जाएगी। अगर हम बात करें भारतवर्ष के 80% रूरल एरिया की, कि जहां रूरल एरिया है वहां पर नेटवर्क इशू बहुत सबसे ज्यादा है, इवन फरीदाबाद या दिल्ली कहीं भी कह सकते हैं हम, आपने देखा होगा कि एक अच्छे से अच्छे पॉश इलाके में भी नेटवर्क का इशू होता है। तो वहां किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम हुआ, खास करके जैसे आरती सैनी ने बताया कि वो आईटी कंपनी में, आईटी कंपनी वालों के लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर नेटवर्क की दिक्कत आ जाए तो किस तरीके से होगा। दूसरा, रूरल एरिया की बात करें, वहां किस तरीके से आप नेटवर्क पहुंचा पाएंगे, आप कैसे एक आईटी कंपनी का एक एम्प्लॉई अपने गांव में जाकर के काम कर पाएगा। ठीक है, आपका ट्रांसपोर्ट बच गया, आना जाना टाइम बच गया, लेकिन घर पर रहकर के कैसे काम कर पाएंगे। दूसरा, गरिमा आपको शायद पता होगा कि छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं ना घरों में, तो शायद वो काम करने देते नहीं है, तो वहां कहीं कहीं डिस्टर्बेंस होती है, कहीं पे घर के बहुत सारे काम आ जाते हैं कि पहले आप ये काम करो। तो 8 घंटे आप ये 6 घंटे किस तरीके से कंपनी के लिए निकाल पाएंगे ईमानदारी से। आरती, आप इस पे बोलेंगी तो आरती अपना ऑडियो ठीक करिए, ऑडियो। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि कुछ एरिया में नेटवर्क का इश्यू रहता है, ये हम सभी जानते हैं कि बहुत बार हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है इसकी वजह से। लेकिन सर देखिए, अभी हम क्या है, अभी ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर है ये हमारे लिए न्यू ही है, और जब भी कोई चीज नई आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होती है उसे थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है। जैसे कि हमारे इंडिया में जब मोबाइल आया था, कुछ एरिया में अच्छे से वर्क करता था, कुछ एरिया में थोड़े टाइम बाद आया था। बट अभी क्या है, नेटवर्क इशू, नेटवर्क जो है हमारा बहुत काफी अच्छे तरीके से कई एरियाज में वर्क कर रहा है, इवन गांव में भी कहीं, माना कि इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है लेकिन फिर भी रिस्पांस है। तो उस केस में डिपेंड करता है हमारी कंपनीज पे कि वो हमारे साथ कैसे डील करती है। लाइक इन माई केस, जैसे कि हमारी कंपनी में भी कई सारे एम्प्लॉयज हैं जो कि अपने होम टाउन जा चुके हैं और वो अपने घर से ही काम करे, तो उनके साथ ये है कि कंपनी ने उन्हें अलग से रिलैक्सेशन दिया है, उन्होंने बताया है कि सर हमारा थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो कंपनी उनके साथ प्रॉपर कॉपरेट कर रही है, बिकॉज सबके लिए भी ये नया है। और मेरे को उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट धीरे धीरे नेटवर्क का इशू जो है वो सबके लिए फिक्स करेगी, और जैसे ही जितना ही तेज तरीके से ये वर्क फ्रॉम होम बढ़ता जाएगा वैसे ही नेटवर्क के इश्यू भी सॉल्व होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी सब कुछ नया है, धीरे धीरे जब हम बहुत यूज टू हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा सॉल्व हो जाएगी। जी योगिंदर, आप कुछ कहेंगे? योगिंदर जी कुछ कहेंगे? विनोद जी मेरे, हाँ विनोद जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हेलो जी, आ रही है बिल्कुल। हेलो, विनोद जी,
मैं फिर से ये बताना चाहूंगा इसके डिसएडवांटेजेस हैं तो एडवांटेजेस भी काफी हैं। एडवांटेजेस जैसा कि मैं एज एचआर मैनेजर में जॉब कर रहा था तो मैं काफी सारी चीजें फेस करता था कि भाई ड्यूरिंग द जब हम किसी कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट करते हैं तो उस समय में हमें काफी सारे चैलेंजेस आते हैं कि भाई एक एम्प्लॉय जो है वो कैसे मतलब वो करेगा, मतलब कि भाई इंटरव्यू देने के लिए उसको आने के लिए काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे कि भाई वो आ नहीं पाता था इंटरव्यू के लिए। तो अभी आजकल क्या होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं, कैंडिडेट इजीली अपना इंटरव्यू दे देता है। और एक जो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे कि अगर एट्रिशन रेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एम्प्लॉयज आज की डेट में जॉब सेटिस्फेक्शन को लेकर के भी अगर हम जब हम एम्प्लॉयज में रहकर एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन सर्वे करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इश्यूज निकल के आते हैं कि भाई एम्प्लॉयज जो है रिलोकेट नहीं हो पाता है। उसे एक अच्छी जॉब सपोज करो कानपुर में मिलती है लेकिन वो फरीदाबाद का रहने वाला है तो वो एक उसके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता है वो जॉब करने के लिए। जी जबकि उसको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है कानपुर में लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता है। तो वर्क फ्रॉम होम में एक तो रिलोकेशन का जो इश्यू है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, इवन की एम्प्लॉय के लिए भी और कंपनी के लिए भी इंटरव्यू कंडक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और कंपनी के लिए सबसे अच्छा डिसएडवांटेजेस ये है कि वो एम्प्लॉय के थ्रू अपनी रीच कर सकती है कि भाई सपोज कीजिए अगर हमारा कोई एम्प्लॉय या कुछ एम्प्लॉय हमारे साउथ में है कुछ मतलब पैन इंडिया बेसिस पे एम्प्लॉय भी अपने ऑफिस को रन कर सकती है, मतलब कंपनी की रीच भी बढ़ेगी और एम्प्लॉय को लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये एक एडवांटेजेस है वर्क फ्रॉम होम का जो कि सिर्फ एक आज की डेट में आपने कोरोना में भी देखा होगा लोग माइग्रेट बहुत ज्यादा होते हैं अच्छी जॉब को लेने के लिए, कोई बिहार से दिल्ली आ रहा है, कोई बिहार से दिल्ली आ रहा है, कोई पंजाब से हरियाणा आ रहा है। तो वो एक वो जो माइग्रेशन ऑफ लेबर है वो भी इसमें लेबर क्लास तो खैर मैं गलत बोल रहा हूँ कि भाई वो वर्क फ्रॉम होम कर पाएगा बट एक जो स्टाफ कैटेगरी मैनेजर कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज होते हैं तो उनके लिए माइग्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है और कंपनी के लिए भी काफी कन्वीनियंट और इजी वे में एक एम्प्लॉय जो है पैन इंडिया बेसिस पर वो सब। गरिमा आप तो हजारों महिलाओं को सौपस दरबार के थ्रू वर्क फ्रॉम होम का काम दे ही रही हैं, तो और क्या कुछ खास किया जा सकता है सरल तरीके से? जी देखिए पहले भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा था वर्क फ्रॉम होम का और काफी सारे करीब 200-250 रीसेलर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने घर से ही अपना रोजगार शुरू किया पाना। अब जो है हमने लॉकडाउन के बाद में इसको और बढ़ाते हुए ये एक्सपैंड कर लिया है विनोद जी कि अब हम ऑनलाइन क्लासेस भी रन कर रहे हैं क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं तो हमने उनके लिए ऑनलाइन समर कैंप्स, ऑनलाइन एक्टिविटीज जिसमें कि अबैकस है, योगा है, वैदिक मैथ्स है और कई सारे स्पोकन इंग्लिश है, ये ऐसी सारी क्लासेस का इंतजाम किया हुआ है। और जो है जो लेडीज है वो कुकिंग, बेकिंग, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीजों में ये जो है हम क्लासेस और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अब। तो ये मैं कहूंगी कि हमने एक नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया है कि अब जो है टू लर्न एंड अर्न फ्रॉम होम, तो हमने लर्निंग भी इसको ऐड कर दिया है। अभी तक तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट था सिर्फ अर्न फ्रॉम होम लेकिन अब हम लर्न फ्रॉम होम भी दे रहे हैं। तो अभी जैसे 21 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है योगा एंड मेडिटेशन की, आजकल आपको पता ही है कि लोग कितनी स्ट्रेस वाले दौर से गुजर रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने अभी जैसे योगा और मेडिटेशन की क्लास करी है, उसको आर्ट ऑफ लिविंग की सर्टिफाइड ट्रेनर है जो कि अपने घर से ही सबको सिखाएंगी योगा और सब अपने अपने घरों में बैठे हुए ही योगा सीखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे। थोड़ा डिसिप्लिन का इशू इसमें बस होता है जो घर से क्लासेस कंडक्ट होती है बट आई एम श्योर धीरे धीरे जो है ये चीजें भी हम सबको भी इसकी वर्क फ्रॉम होम की आदत हो जाएगी और ये इशू भी जो है वो रिजोल्व हो जाएगा। जी अनिता सानी जी आप देवभूमि से हैं देहरादून, तो किस तरीके से आप कर पा रहे हैं अपना वर्क फ्रॉम होम? मैं अपना काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ, मुझे तो कह रहे अभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है क्योंकि मेरे साथ पूरी मेरी फैमिली हमेशा सपोर्ट के लिए खड़ी रहती है। मैं अपना सारे काम को बहुत ही एक सुबह उठ के पूरा मैनेजमेंट करती हूँ कि किस टाइम पे मुझे क्या काम करना है और क्या नहीं करने है, क्या टाइम मुझे फैमिली को देना है पहले मैं फैमिली को देती हूँ और उसके बाद अपने काम स्टार्ट करती हूँ। और जैसे गरिमा जी ने बोला कि शॉपर्स दरबार में वाकई सच में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं गरिमा मैम,
मतलब हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते थे क्लासेस के लिए, योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए. अब हम सब कुछ कर पा रहे हैं घर बैठ के, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता था. हम लोग सिर्फ अपने फैमिली और अपने थोड़ा बहुत जो वर्क करते हैं उसमें हम कभी योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए, क्योंकि आज हर कोई डिप्रेस हो रहा है सिर्फ कोरोना की वजह से. तो जो शॉपर्स दरबार में मेडिटेशन और योगा हो रही है, इसके जरिए हम बहुत अच्छी तरीके से घर बैठ के योगा कर सकते हैं और अपने माइंड को बहुत अच्छी तरीके से फ्रेश रख सकते हैं. तो अभी मैडम आप सभी से एक सवाल है कि देखिए हम सभी मीडियम फैमिली से हैं कि हमारे सभी 3 BHK 2 BHK सभी के फ्लैट या हाउसेज होंगे सभी के. तो अगर वर्क फ्रॉम होम की बात करें, आती जैसे आप IT कंपनी में हो तो किस तरीके से क्या आप अलग अलग रूम लेकर के काम करते हैं? एक ही रूम में आप जैसे मान लीजिए परिवार में 3 एम्प्लॉय आप 3 बहनें या भाई हैं और सभी अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, तीनों एक साथ अगर बैठ जाएंगे तो किस तरीके से काम कर पाएंगे आप? हाँ जी, तो मैंने अपने लिए एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस रखा हुआ है जो कि मुझे लगता है कि हमें सबको रखना चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आता है. जितना हम ज्यादा रिलैक्सफुल सिचुएशन में होते हैं उतना ही हमारे काम की इतनी ज्यादा नहीं निकल के आते आउटपुट. तो मैंने एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस रख रखा है. आई कैन नॉट से कि मैं पूरा एक रूम एक्वायर कर सकती हूँ, बिकॉज सब लोग हैं फैमिली में और सब लोग ही घर पे हैं. सो मी एंड माई सिस्टर आर वर्किंग फ्रॉम होम. तो हम लोग जैसे कि हम लोगों ने एक रूम में एक कॉर्नर हम लोगों ने ले रखा है, लाइक वन कॉर्नर उसके लिए है, दूसरा कॉर्नर मेरे लिए है, जिसमें हमें बहुत टाइम्स क्या होता है, बहुत कॉल्स अटेंड करनी होती हैं और कॉल्स में क्लैशेस आते हैं बिकॉज वो भी बात कर रही होती है, मैं भी बात करती हूँ. तो हमें उस टाइम पर ये होता है कि थोड़ा सा एक दूसरे को कहीं दूसरे रूम में शिफ्ट होना पड़ता है. बट हाँ, लेकिन ये मैं बोलूंगी कॉल्स के लिए थोड़ा इशू हो जाता है कभी कभी, लेकिन अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको हमेशा डेडिकेटेड वर्क स्पेस का हमेशा याद रखना चाहिए. बिकॉज होता ये है कि हम लोग लैपटॉप लेके बैड पे जिस तरीके से बैठ जाते हैं और लेजी होके काम करते हैं तो उसमें वो आउटपुट निकल के नहीं आ पाते और हमें भी नहीं पता चल पाता. इनफैक्ट प्रॉपर वेल ड्रेस, इवन मेरे को ये लगता है कि हमें जो अपना फर्स्ट हाफ है वो एटलीस्ट प्रॉपर वेल ड्रेस होके और प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस के साथ स्टार्ट करना चाहिए. बाकी सेकेंड हाफ में हम लोग थोड़ा सा अपना ले सकते हैं रिलैक्स वाली सिचुएशन, बट फर्स्ट हाफ हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए. योगेंद्र, आप कई सालों से HR मैनेजर हैं, किस तरीके से रिपोर्ट ले पाते हैं वर्क फ्रॉम होम में? विनोद जी, वर्क फ्रॉम होम में रिपोर्टिंग लेने में दिक्कत नहीं आती है, इसमें ये काफी इजी है रिपोर्टिंग लेना. इसमें हम विनोद जी एक तो टाइम का सेग्रीगेशन करते हैं, स्लॉट्स बनाते हैं हम अपने एम्प्लॉयज के साथ में कि भाई हम उनको टारगेट देते हैं, फिर प्लस एक मीटिंग टाइम फिक्स किया जाता है कि भाई एवरी डे हम 11 बजे मॉर्निंग एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद में हम सेकेंड हाफ में एक मीटिंग करेंगे, टारगेट बेस उसको काम देंगे कि भाई आपको इस टारगेट पे काम करना है, आपको ये रिपोर्ट करनी है. और अननेसेसरी का इससे एक फायदा ये भी हुआ है विनोद जी के, जैसे हम लोग अगर ऑफिस में रह करके जो मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो अननेसेसरी की जो मीटिंग्स होती हैं, जो टाइम किल करती हैं, जो एक प्रोडक्टिव जो एक टाइम होता है, हम लोग जूम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या लोगों के साथ एक जो मीटिंग टाइम जो होता है हम फिक्स करके हम प्रॉपर रिपोर्टिंग ले लेते हैं. सभी का जो भी क्वेरी होता है वो उसमें हम लोग एक दूसरे का रिजॉल्व कर लेते हैं. तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक मीटिंग्स में जो अननेसेसरी, आपने भी सबने देखा होता है कि ज्यादातर मीटिंग्स में अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 आवर्स का एक मीटिंग होता है ऑफिस में, अगर हम ये करें वर्क फ्रॉम होम में ना करें, ऑफिस में अगर 1 आवर का मीटिंग होता है तो उसमें 15 to 20 मिनट्स जो है वो अननेसेसरी के गॉसिप्स में निकल जाते हैं. बट घर से वर्क फ्रॉम टाइम जो किल होता था जो अननेसेसरी की मीटिंग का, वो एक काफी अच्छा सेविंग हुआ है, टाइम सेविंग है. प्लस एक साथ में क्या हो रहा है कि एक एब्सेंटिज्म भी रिड्यूस हो रहा है एम्प्लॉयज का कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस में हुआ कि भाई आज मैं लीव पे हूँ सर, वो लीव पे नहीं है. तो वर्क फ्रॉम होम से क्या है कि एम्प्लॉय अपने अपने डे को एक प्लान कर लेता है, लीव की जरूरत नहीं पड़ती है उसको, एब्सेंटिज्म काफी एक रिड्यूस हो जाता है इसमें. तो हम लोग ऐसा नहीं है कि भाई उसको अननेसेसरी का प्रेशर दे के रखते हैं, बट इससे काफी अच्छा एक मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है कि पिछले 1.5-2 महीने से हम अपने एम्प्लॉइज को एब्सेंटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफी अच्छा बेनिफिट मिला और टाइम भी सेव हुआ है. मीटिंग्स में जो अननेसेसरी का जो टाइम किल होता था वो अब सेव होने लगा.
टाइम समाप्ति की ओर है। गरिमा, अगर शॉपर्स दरबार से कोई जुड़ना चाहे, कोई महिला, तो किस तरीके से जुड़ सकता है, क्योंकि टाइम समाप्ति की ओर है। बिल्कुल सॉरी विनोद जी, दोबारा रिपीट करिएगा। अगर शॉपर्स दरबार से कोई जुड़ना चाहे, कोई महिला जुड़ना चाहे, तो किस तरीके से जुड़ सकता है? जी बस वो शॉपर्स दरबार सर्च कर सकती हैं, फेसबुक पे हमारे ग्रुप स्टॉक पे आ जाएंगे, और नहीं तो जो है हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करते रहते हैं फेसबुक पे, तो हम सबके नंबर्स या ज्वाइनिंग लिंक दिया होता है। अदरवाइज सबसे आसान तरीका यही है कि फेसबुक की सर्च विंडो में जाके टाइप करना है शॉपर्स दरबार, और टॉप मोस्ट जो सर्च रिजल्ट आएगा वो दैट इज शॉपर्स दरबार ओनली, तो बस उन पे क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट भेज सकती हैं और वो ग्रुप में एंटर हो जाएंगे। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरती आपका भी, अनिता सानी आपका भी, गरिमा जी स्पेशली आपका, योगिंदर जी आपका, मैं नाम सॉरी मैं भूल गया, नाम क्या नाम बताया आपने जी? पिंकी, पिंकी वर्मा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू विनोद जी, थैंक्स पिंकी, थैंक्स अनिता, थैंक यू सो मच।